CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। 5 सितंबर पूरे देश में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन डॉक्टर राधा कृष्ण को बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। वहीं अध्यापक एक गुरु है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। मोगा में आज अरोरा बिरादरी सामाजिक संस्था द्वारा उन अरोरा बिरादरी के अध्यापकों को सम्मानित किया गया जिनका शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा योगदान है और इस बिरादरी की महिला अध्यापक शिक्षा में अपना नाम खूब बढ़ा रही हैं। वहीं इस सम्मान समारोह में अध्यापकों को सम्मानित करने के लिए पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री तोता सिंह और मोगा के MLA डॉक्टर हरजोत कमल विशेष रूप से पहुंचे और उन्होंने अध्यापकों को सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन की जीवनी के बारे में भी अध्यापकों को बताया गया। इस मौके पर अरोरा सभा महिला की पंजाब की प्रधान अध्यापक रही श्रीमती सतवंत कौर ने अध्यापकों को अपने संबोधन में कहा कि आज के अध्यापकों को बच्चों के प्रति एक पारिवारिक रिलेशन बनाने चाहिए ताकि बच्चे भी अध्यापकों का पूरा आदर कर सके। इस मौके पर मोगा के हैंडीकैप अध्यापक वीर जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री तोता सिंह और MLA हरजोत कमल ने अध्यापकों को उनकी अच्छी कारगुजारी को लेकर बधाई भी दी। पहले तो मैं धन्यवाद करता अरोड़ा महासभा का और अरोड़ा महिला महासभा का। इन्होंने अज मोगे दे विच एक फंक्शन रख के टीचर्स नू सम्मानित किया। बेशक कुछ टीचर्स नू सम्मानित किया पर मैं समझदा कि जेड़ा टीचिंग प्रोफेशन चाहता पहले ही उहदे ते परमात्मा की मेहर होंदी है, परमात्मा की कृपा होंदी, उह तां ही इस प्रोफेशन चाहता जिहदे च बच्चों का भविख बनाउणा होंदा। सो टीचर्स मेरे वास्ते हमेशा ही सम्मानित रहे ने क्योंकि मेरी मदर भी टीचर रही, इस करके मेरे वास्ते तो बहुत ज़्यादा सम्मानित है। मैं उन्हें सारे टीचर्स नू मुबारकबाद दिना जिन्होंने अज दे इस मुबारक मौके दे उत्ते सम्मानित किया गया और जेडे बाकी टीचर्स ने मैं उन्हें भी समझदा कि है तो वह सारे सम्मान जो जनक पर वो होर अच्छा काम करन ताकि अगली मीटिंग दे विच अगले प्रोग्राम दे विच उन्हां दा नंबर आए उन्होंने भी सम्मानित किया जाए। मैं हमेशा इस प्रोफेशन नू जिहड़ा गुरुआं दा रुतबा दिता जांदा और गुरबाणी च एक लाइन आउंदी आ सोई प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवे। मैं समझदा कि टीचर्स जिहड़े ने उस रुतबे वाले हुंदे आ जिन्हां नूं मिल के रब वर्गा महसूस हो जाता और सारे टीचरां नूं इस रुतबे ते पहुंचन वास्ते जद्दोजहद करनी चाहिए और सारे सम्मानित ने और सम्मानित रहना चाहिए। मैं आज अरोड़ा महासभा पंजाब महिला दिवस अज जो मोगा दे विच अध्यापक दिवस मनाया गया इस दिवस ने मैं सब बहुत बहुत मुबारकबाद दिनी हाँ। तो खास तौर पर मैं जिहड़ा 5 सितंबर को डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्मदिन है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उन्होंने जन्मदिन दिन मुबारक दी क्योंकि उन्होंने अपने जन्मदिन टीचर्स डे मनाने की जो उन्होंने चलाई है प्रथा ये टीचर्स न सारे देश के विदेशों के बहुत सम्मान मिले कि टीचर का रुतबा कितना ज़्यादा उत्तम है। सारा साडा समाज जो है यदि बेस ही एक जो है वो टीचर है अध्यापक है तो वो राष्ट्रपति भी रहे लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन राष्ट्रपति डे नहीं एक अध्यापक दिवस के तौर पर मनाने उन्होंने सबू अपील की अच्छ इसलिए मनाया जाता अध्यापक दिवस। मैं खास तौर पर जी सा अरोड़ा महासभा मोगा की टीम है वो साढ़े जेडे मैंबर ने चेयरपर्सन प्रधान कटारिया जी तो जनरल सैकटरी वो जिन्हें भी सारे मैंबर ने उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद दी साढ़े खास तौर पर अरोड़ा महासभा महिला बिंदिया जो साढ़िया भैन ने चेयरपर्सन रजनी जी अरोड़ा तो साढ़े इतों के मोगा के जोड़े महिला विंग के प्रधान है ममता मोंगा जी तो खास तौर पर साढ़े यूथ के जो चेयरमैन है पूरे पंजाब के अरोड़ा महासभा के संजीव नरूला जी उन्होंने मैं बहुत उन्होंने एप्रीशिएट करती हाँ जिन्होंने इन्ना ज़्यादा काम मेहनत करके अज ये अध्यापक दिवस मनाया जिन्हें भी उन्होंने मौके के अध्यापक है उन्होंने जो
ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਰੂੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਿਸ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਣ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਖਾਲੀ ਕਿਤਾਬੀ ਰੱਟਾ ਕਿਤਾਬੀ ਰੱਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਈਏ। ਟੀਚਰ ਡੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਰਿਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਿਤਾਬ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਖਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਨੇ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।